बात बहुत बड़ा ले गई मम्मी, मम्मी, मम्मी। उसको मैं वही छोड़ के आ गई, लाई भी नहीं मैं यहाँ इस बार। तो आज ना हम चौलाए की भुज्जी बना रहे हैं। इसको ना गांव में ना चूहा भी बोलते हैं, चूहा की भुज्जी बहुत अच्छी होती है। जैसे थोड़ा सा बन गई ना तो उसके ऊपर से ना कच्चा प्याज रख दो ना तो और भी अच्छी होती है। इसकी ना पकौड़ी भी बनती है, बहुत अच्छी होती है पकौड़ी। तो आज हमने सोचा कि जरा भुज्जी बनाते हैं। तमन्ना के पापा का तो आज व्रत है, आज मेरा ना वीरवार का व्रत है। आज मेरा ना वीरवार का व्रत है और तमन्ना लाए मेरे लिए मैंगो शेक बना के। हाँ तमन्ना ने सुबह सुबह बना दिया, मैंने बोला तू बना दे इसको और मैं तब तक ना भुज्जी काट लेती हूँ। तो उसने बोला कि पापा का व्रत है तो सुबह सुबह मैंगो शेक का गिलास लेके आ गए। पापा कहीं भूखे ना रह जाए पूरे दिन। या चोलाई की भुज्जी की कटिंग हो गई, मन तुम्हारा भी कर रहा होगा मेरे लिए रख देना। इसकी पकौड़ी तो इतनी करारी होती है ना, बहुत ही अच्छी होती है पकौड़ी। खाई है तुमने? बनाई नहीं होगी कभी तो खाना। नहीं तो चोला की नहीं खाई है। मैंने तो खाई है, तो बहुत टाइम से बना रही मैं इसकी भुज्जी। हम बहुत कम लाते ही है ना, हम गांव में तो खैर खाते ही है और वहाँ के ना थोड़ा वहाँ के जो पत्ते होते हैं इसके तो बहुत ही मुलायम होते हैं। ये तो इतने हार्ड है ना, बहुत हार्ड है, तो हमने पत्ते पत्ते निकाले बस। सब्जी का ना समझ में नहीं आता मंडी में कि कौन सी सब्जी ले, और हम तो कोई भी ले आएंगे ना अपने लिए, पर ये लोग खाते नहीं है। तमन्ना राधी ये बोलते हैं बैंगन भी मत बनाओ। बैंगन हम खाते हैं, बच्चे नहीं खाते हैं, और करेले भी नहीं खाते, और हमें करेले भी अच्छे लगते हैं। तो इनके लिए ना अलग से लानी पड़ती है कोई सब्जी। तो आज देखते हैं इन्हें चौलाई की भुज्जी कैसी लगती है, नहीं तो मैं एक हफ्ते तक इन्हें चौलाई की भुज्जी खिलाऊंगी। जुगाड़ भी बुद्धि लोग वो तो है, चूहा हूं ना तो एक लाल चूहा हूं ना भुज्जी खुनी हूं ज्यादातर भुज्जी बने दी वे अजगाल हूं जो शायद। ये ना मैं फल लाई थी ना परसों, अजीब सी हो गई, बनाई नहीं हमने, आज बनाते हैं आराम से। आ, इतना तो भुज्जी में यही निकल गया, वजन तो इनका ही होता है ज्यादा डंडियों का। चलो तो अब ड्यूटी चलते हैं क्योंकि ड्यूटी के लिए भी फिर लेट हो जाएगा। चलो बाय। तो ना मम्मी ने भुज्जी की कटिंग भी कर दी और इतना सारा तो इसमें से ना कूड़े निकल गया। बस मैंने ना पत्ती पत्ती निकाली है, बाकी डंडी मंडी सब अलग कर। बस इसका ना तमन्ना तमन्ना हुआ रहता पूरे दिन। मैंने भी किया था, ठीक है। क्या? हाँ बेटा देखा था तूने? हाँ देखा उधर इतना। तो सबसे पहले रखूंगी मैं इसमें मिर्च, इनको ना अच्छी तरह से ना फ्राई कर लेते हैं। भुज्जी के साथ खाने में ना बहुत ही अच्छी होती है। तेल मैंने ज़्यादा रखा हुआ है, भुज्जी में ना तेल ज़्यादा अच्छा होता है। तो मन्ना के पापा ने बोला मेरे लिए रख देना वाले एक कटोरी शाम के लिए। फिर उसके बाद रखना है लहसुन, उसके बाद राई। खराब रखेंगे भुज्जी चौलाई की। तो ये ज़्यादा दिख रही है ना, तो थोड़ा कम हो जाएगी भुज्जी में ना। एकदम से नमक मिर्च नहीं डालना चाहिए, पहले तो भुज्जी बहुत ज़्यादा लगती है और उसके बाद ना कम हो जाती है, तो इसकी वजह से ना नमक भी ज़्यादा पड़ जाता है। तो अब जाके डालूंगी मैं इसमें नमक मिर्च, थोड़ा सा कम हो गए अभी, तो इससे भी थोड़ी कम होनी है भुज्जी ने। देखा मैंने इसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी मिर्च, मिर्च मैं कम ही डाल रही हूँ क्योंकि मैंने अपने लिए फ्राई कर रखी है मिर्च, और तमन्ना आदि कम ही खाती है। बस नमक और मिर्च डालना है और कुछ नहीं डालना। अब इसको ना थोड़ी देर पकने देते हैं हल्की आंच में। तो
तो जब तक भुज्जी बनती है तब तक मैं रोटी बना लेती हूँ जल्दी से। और ये तो लग गया अपने काम पे, ये देखो तमन्ना भी पता नहीं क्या सोच रही है, क्या सोच रही है ना। अभी हमारा घर का कुछ काम भी नहीं हुआ, मैंने बोला पहले नाश्ता बना लेती हूँ और फिर उसके बाद करेंगे घर का काम। तो अब भुज्जी के लिए ना मोटा मोटा प्याज काट देते हैं, कई जगह ना पहले डाल देते हैं प्याज और कई बाद में डालते हैं, हम भी बाद में डालते हैं। तो अब रख देंगे इसको भुज्जी में। भुज्जी बनने वाली है तो ऐसे करके रख लो। अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है, फिर झटका लगा दो। बन गई भुज्जी। अरे तो सुबह से टीवी पे ऐसे बैठा हुआ है ना, कोई मतलब नहीं। माइनक्राफ्ट। तो चलो तो अब जल्दी से नाश्ता करते हैं और आप लोग भी कीजिए और फिर उसके बाद करेंगे घर का काम। अभी घर का कुछ काम नहीं कर रखा आज, ले आए अपने लिए चाय भी। इसको पीनी होती है चाय, तमन्ना को नहीं। तमन्ना को तो बस अचार खाने का शौक है ज्यादा, पहले अपने लिए अचार लेके आ गए। और उसके बाद क्या करना है, स्कूल का काम करना है, ठीक है ना? ठीक है ना, काम अभी आएंगे। बस तेरे लिए तो बस टीवी है ना, कहीं नहीं ले जाऊंगी, जो टीवी देखेगा तो यही रहेंगे। आदि ने पहले ही बोल दिया, बस थोड़ा दियो, इतना नहीं चाहिए। खा के तो देख, नहीं इतना नहीं। बस इससे भी कम चाहिए मुझे, इससे हैं अच्छी हो रही है, अच्छी है। पूरी खा उसको, ठीक है, जितने रखे हैं। तो अब जाके हमारे घर का सारा काम हो गया और तमन्ना आदि को भी नला दिया मैंने। और मैंने तमन्ना आदि को बोल दिया कि जितनी जल्दी ना अपना काम निपटाओगे स्कूल का, उतनी जल्दी हम गाँव जाएंगे, है ना? मौसी के घर जाना है। हाँ, इन दोनों को ना कोरदार जाना है, वाला इनको ना कोरदार ही अच्छा लगता है। आए तेरे को कोरदार जाना है कि गाँव? कोरदार, तो कोरदार जाना है। तो जो जाएंगे हम गाँव, तो पहले कोरदार जाएंगे और उसके बाद गाँव जाएंगे। वैसे तो अभी प्लान नहीं बना रखा हमने कहीं जाने का भी, इस बार मैं इनको बोल रही हूँ यही रहते है, है ना? दिल्ली में रहते है ना? क्या जाना, कोरदार जाना है? इन दोनों को भेजूंगी मैं, है ना? मैं तो यही रहूंगी, ठीक है? दोनों चले जाना, खुश है। और जाने से पहले इसके चश्मे भी टूट गए, अब ऐसे ही जाएगा बिना चश्मों के, मैं तो नहीं बनाऊंगी चश्मे, हैं? वो एक टांग उसकी टेढ़ी हो ही नहीं रही। आज इन्हें ना स्कूल में चश्मा भी तोड़ दिया, ये वाला मैंने ऐसे फेविकोल से चिपका रखा है, तब तक के लिए चेंज करना पड़ेगा। करना तो नहीं था, ऐसे ही रखना था। कोटदार जाना है, वो भी 2 महीने। एक महीने की छुट्टी पड़ी है, ये बोल रहा है कोटदार 2 महीने के लिए जाना है। नहीं, 2 महीने की तो छुट्टी पड़ी है, कौन खिलाएगा 2 महीने तक खाना? एक महीने हो गया है ना, और 30 को स्कूल खुलेगा 2 महीने, 1.5 महीने, 1.5 महीने, मतलब अभी तुम्हें 1.5 महीना है पूरा, ठीक है? ये ना तभी अपना काम जल्दी निपटाएंगे, जो इनके लिए बोला जाएगा ना कि हमें जाना है जल्दी, तब निपटा देंगे, नहीं तो नहीं, ये नहीं करेगा। तो चलो तब करते हैं अपना काम, और मैं तो अपना काम कर लूंगी, पर ये नहीं करेगा, इसकी वजह से लेट हो जाएगा मैं। हाँ, ये कराएगा लेट, ये करता ही नहीं। कोटदार में कर लेंगे, कोटदार में करेगा तो वहाँ खेलने लगेगा, वहाँ काना के साथ लड़ाई करेगा और कुछ नहीं। इसकी कान की ना बिल्कुल बनती नहीं, पर ये एक दूसरे के बगैर रहते भी नहीं है, इसको तभी भी कोटदार ही जाना होता है। मेरा तो ना बिल्कुल भी मन नहीं है कहीं जाने का भी, क्योंकि आने जाने में ना बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, सामान की इधर उधर करने में बहुत ज्यादा। यहाँ तो जैसा भी है ना गाँव में ना, चढ़ाई में ना बाप रे बहुत मुश्किल हो जाता है। एक बैग तमन्ना में दूंगी और एक बैग आदि में दूंगी, है ना? इस बार ना मैं छोटे छोटे बैग बनाऊंगी, ज्यादा बड़े नहीं, पिछली बार बहुत बड़ा ले गई मम्मी, मम्मी, मम्मी। उसको मैं वही छोड़ के आ गई, लाई भी नहीं मैं यहाँ। इस बार ऐसे करेंगे, मेरा बैग, मेरे
बैग में सिर्फ मेरे कपड़े। तमन्ना के बैग में तमन्ना के कपड़े, ठीक है ना। इस बार ना मैं तमन्ना आदि के और अपने ना दो दो तीन तीन जोड़ी कपड़े ले जाऊंगी, इससे ज्यादा कपड़े नहीं ले जाऊंगी। अब पिछली बार ना मैंने स्वेटर रखी है घर में, आदि और तमन्ना की भी, और अपनी स्वेटर भी रखी है घर में। इस बार स्वेटर भी नहीं ले जाऊंगी क्योंकि ना गांव में ना एकदम से ना कभी बारिश आ जाती है तो स्वेटर की जरूरत पड़ जाती है, वो मैंने गाँव में रखी हुई है। तो चलो अब इस ब्लॉग को ना यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं आपको अगले नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और हमारे जो भी गांव के ब्लॉग होंगे वो भी जरूर देखना जो जाएंगे तो। इससे पहले जो हमने मोमोज वाला ब्लॉग डाला था ना तो उसे भी जरूर देखना, बहुत अच्छे बने थे मोमोज। और पहली बार बनाए हमने मंडवे के आटे के मोमोज और इतने टेस्टी हुए ना, बहुत ही अच्छे। तो जरूर देखना उस ब्लॉग को। बाय बाय।